आज ब्रेकफास्ट में क्या खा रही हूँ, मेरा एडिटिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तब मेरे लिए बनाया मैंने, कितनी बड़ी गधी हूँ ना मैं। और अभी 10 बजने वाले हैं, वीडियो आता है 2 बजे, तो हमारे पास है सफिशियंट टाइम सब कुछ करने के लिए, बट कंटिन्यूसली बैठ के करना पड़ेगा। मैं जो डिस्ट्रैक्ट रही वो नहीं होना, लेकिन अभी तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होंगी क्योंकि दही भरा है यार, मतलब ब्रेकफास्ट है जो भी है, मैं ये खा रही हूँ, ठीक है। हाँ मैं ये खा रही हूँ। क्या बोल रही हूँ मैं, पता नहीं, आई हूँ अभी दूसरे रूम में, मैंने डोर दे दिया ताकि वो बच्चों मेरा खाने में नज़र ना लगाए। मेरा स्कूल का होमवर्क है वो सब ख़त्म करूँगी, क्योंकि हम लोग मंडे एक्सकर्शन नहीं जा रहे हैं, हम जाएंगे वेडनेसडे। क्यों मंडे, पता नहीं क्यों किसी को नहीं ले रहे हैं लोग एक्सकर्शन। ट्यूसडे क्लास 6 जा रहा है एंड वेडनेसडे को क्लास 7 जाएगा। सो या एवरीबॉडी, सो अभी करेंटली टाइम हो रहा है 1:30, वीडियोस का काम सब हो गया है। अब मैं बैठ के कलरिंग कर रही, कलरिंग तो नहीं ड्राइंग कर रही थी, ये वाला ये जन्माष्टमी का ड्राइंग है और ये इंडिपेंडेंस डे का ड्राइंग है, जो दोनों मैंने गूगल से छापा मारा है, बिकॉज मैं मेरा ड्राइंग कॉपी चेक कराऊंगी, क्योंकि ड्राइंग के मार्क्स भी तो चाहिए ना। एंड मैंने लाइक लिटरली मेरे ड्राइंग कॉपी में कुछ नहीं ड्रॉ किया था एंड अभी मुझे 6 ड्राइंग बनाने पड़ेंगे। अभी मैं बनाऊंगी एक और ड्राइंग जो कि बेसिकली होने वाला है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन के बाद मैं एक रैंडम सा ड्राइंग बनाऊंगी एंड या आगे आगे देखते रहते, जो जो इवेंट्स थे हमारे 2023 में उस सब का बैठ के बनाऊंगी अभी ड्राइंग। और क्या मैंने पहले से क्यों नहीं किया, एसएसटी का प्रोजेक्ट सबमिशन मंडे है, नहीं मतलब मैम ने अभी तक डेट नहीं दिया है, बट जितना जल्दी सबमिट कर लूँ उतना जल्दी सर से बोझ उतरेगा, तो इसलिए मैं जल्दी सबमिट करने के प्लान में हूँ। तो अभी चलो हम लोग गूगल से ढूंढते हैं कुछ रक्षाबंधन ड्राइंग। आई थिंक मैंने ढूंढ दिया था, हाँ ये वाला ड्रॉ करने वाली हूँ मैं रक्षाबंधन के लिए, दिस वन। तो चलो ड्राइंग करना शुरू करते हैं। मुझे कल मेरा एसएसटी का प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मेरा शाम के लाइक लिटरली 1 घंटा टोटल गया गुपचुप खाने में, प्रिंट आउट निकालने में और आदि के लिए गिफ्ट चूज़ करने में, क्योंकि आज उसका बर्थडे एंड मामा जी आए हुए हैं हमारे घर एंड अभी वो फिलहाल नहीं है घर पे, वो अपने फ्रेंड के रिसेप्शन पार्टी में गए हैं, तो दिखे नहीं वो ज़्यादा वीडियो में। मैं ये गिफ्ट लाई हूँ आदि के लिए, जो कि क्या है मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि कभी कभार मामी जी भी व्लॉग्स देखती हैं तो उनको पता चल गया। तो ये है पिक्चर्स जो मैं लेने गई थी, सबको भी मैं काटूँगी पिक्चर्स, गाना सुन सुन के थोड़ा, फिर मेरा साइंस का ना बहुत सारे लाइक लिटरली 40 क्वेश्चंस बनाने, माय गॉड क्या बताऊँ मैं, तक ये सब मैं पहले काटूंगी, फिर इसको एसएसटी कॉपी पे चिपकाऊंगी, बहुत मेहनत लगेगा। मेरा एसएसटी कॉपी कहाँ है भाई, तो मैंने सबमिट तो नहीं कर दिया। हाँ मेरा एसएसटी कॉपी मिल गया, मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। ये मराठा एम्पायर के लिए इतना पेज जाए, नहीं तो आए क्वेश्चन आंसर, बाकी तो इस पेज से प्रोजेक्ट, हाँ इस पेज से पहले मैं फिर डिज़ाइन बनाऊंगी वो पत्ते पत्ते वाला क्लासिक। तो चलो मैं काम शुरू करते हैं। सो अभी तक मेरा
मेरा साइंस का क्वेश्चन लिखना खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? एक भी एक चैप्टर का क्वेश्चन लिख लिया मैंने, अभी आंसर्स लिख रही हूँ और 12-8 आंसर्स लिखना है मुझे, 3-3 मार्क के क्वेश्चन का आंसर है जी। तो वो सब मैं लिखूंगी। ब्लॉग बनो चा पॉकेट मनी बनो पॉकेट मनी चेंज हैज करो कितने पैसे खाली यार बैठ नहीं पा रहे तुमको 5-6 कितने बजे तुम्हारा फ्लाइट 12 बजे 2 बजे से 12 बजे 2 बजे से 2 घंटा अगरो जीबो अच्छा थैंक यू मतलब चेंज डॉक्टर पर्सी कभी कभी बहुत पैसा दे तो मैं खर्चा कर ही पा रहा नहीं छूट पैसा दे खर्चा नहीं पा आए थे सो दैट यू गाइज डोंट गेट। तो अभी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और क्वेश्चन भी बनाने हैं और भी स्टोइक चैप्टर के। ये साइंस में मान मरवा के ही मानेंगे, इतना सब लिखना है यार। इस रूम में अभी मामा जी सोएंगे तो मैं इसलिए इस रूम में फटाफट से व्लॉग एंड करना चाहती हूँ ताकि मैं दूसरे रूम को जाऊँ। सो गुड नाइट एवरीबॉडी। एंड मेरे बहुत घर का मैंने बैग ऑलमोस्ट पैक कर लिया और वो 200 रुपये मैंने ले भी लिया है तो चलो मैं चल रही हूँ सोने तो नहीं सोना आज नसीब में ही नहीं है मेरा तो। हाँ जब तक मेरा दूसरे चैप्टर का 20 क्वेश्चंस एंड उसका आंसर्स ऑलमोस्ट आधे 10 आंसर्स ना हो जाए मैं ना ये बुक बंद नहीं करने वाली हूँ। लिटरली मैं जा रही हूँ अभी मम्मी पापा के रूम में बैठ के पढ़ूंगी और अगर मम्मी पापा लाइट ऑफ करेंगे आयु को सुलवाएंगे बोलेंगे तो मैं इस रूम में सोफ़ा रूम में भी बैठ के पढ़ लूँगी क्योंकि इस रूम में मामा जी सोएंगे तो उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग। तो चलो मैं जा रही हूँ सोने। होपफुली यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग द ब्लॉग टिल द एंड एंड इफ यू गाइज डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। प्रियांशी डिनर कंप्लीट होके आज पूरा लिखा लिखी में बिजी। हाँ पूरा टायर्ड दिख रहा है तुम्हारा फेस बेटा। मुझे बस थोड़ा सा नींद चाहिए। तो एक काम करो चलो सो जाओ सुबह के 5 बजे उठा दूंगी तो तुम लिखना मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँ। मैं उठ नहीं सकती इसीलिए रात को लिखोगे। हाँ क्योंकि मैं सुबह मेरा नरम नरम बिस्तर छोड़ के आके ये करूँ अच्छा। तुमको तो मैं 10 बार उठाने से फिर बेचारी बहुत मुश्किल से ब्रश करके जाती है ना इतनी मेहनत से। मैं और तू उतना सुबह सुबह मेरा नरम नरम बिस्तर चूड़ा उपमा लोगे क्या कल पोहा बना दू? नहीं फिर क्या लोगे पराठा? पराठा और आलू भजा आप जो बोल रही थी क्यों पराठा आलू भजा में कुछ खराबी है? नहीं तो आलू पराठा वो अच्छा है। मतलब इस बार मैं सोच रही हूँ दूसरा तरीका का आलू पराठा बनाऊंगी जो बचपन में तुमको बना के देती थी तुम दिल्ली में स्कूल लेती थी। कैसे बनाती थी वो आटा में अगर आलू नहीं वैसा नहीं तो मत बनाओ आलू को जैसे तुम्हारे लिए जो ग्रीट करके नहीं वैसे वैसे ग्रीट करके उसको फ्राई करूँगी उसके बाद मतलब आटा के अंदर दे के ये करूँगी पराठा बनाऊँगी और थोड़ा गोल करके ताकि वो जल्दी होएगा क्योंकि नहीं तो अभी आलू उबाल दूँगी तो वो सुबह जल्दी होता ना। एक चैप्टर का मैंने 20 क्वेश्चन बनाया उसी 20 क्वेश्चन का आंसर लिखा SST के 18 फोटो चिपकाए उनके बारे में लिखा मैंने। मेरा पैर दुख रहा है जितना जो मैं चल चल के गई। तो तुमको चल चल के जाने के लिए कौन बोला? मैं बोली मैं तो साइकिल लेके जाओ बोली। तुम्हारा मन लगा चल चल के जाने में अभी पैर दुख रहा है चलो तेल लगा देते हैं। इसका मैं सारा क्वेश्चन लिख लूंगी एंड आधा क्वेश्चन मतलब लिख लूंगा मतलब जैसे कि 20 क्वेश्चन है तो मैं 15 क्वेश्चन लिख लूंगी बाकी 5 क्वेश्चन कल स्कूल में जो मतलब जो क्लासेस के बीच में 5-5 मिनट का गैप होता है जब मैं तो ढूंढ के लिख ही सकती हूँ मैं वही करूंगी। तो अभी तो फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। 20 क्वेश्चन बनाए और 15 क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो अभी सब सोने जाने वाले और मैं इधर बैठ के सो जाऊंगी।
जब मैं बड़ी हो जाऊँ मुझे ना ये सब नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी हो जाने से भी लिखना पड़ता है? और लिखना पड़ेगा बड़ी हो कॉलेज पढ़ने से। हाँ ठीक है, लिखो लिखो, टाइम वेस्ट मत करो, गुड नाइट बोल दो फ्रेंड्स लोगों को। मैं ऑलरेडी गुड नाइट बोल दी थी, बट एनीवेज फिर से गुड नाइट बोल दिए थे। हाँ। और आयु आज परेशान कर करके सो गया, तो फ्रेंड्स गुड नाइट प्रियांशी को लिखने देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल मेरा सिस्टर एग्जामिनेशन है। हे प्रभु, फिर स्कूल से आने से पढ़ाई पढ़ाई है ना। अच्छा कर रहे हैं, ट्यूशन में कितना कितना मार्क ला रहे हो मुझे दिखा। इंग्लिश का 80 मार्क दिए? हाँ, 80 मार्क का पेपर। अच्छा ओके, डोंट वरी, लिखो, मैं जा रही हूँ सोने, बाय बाय।